मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अल्मोड़ा ऐतिहासिक मल्ला महल में दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तराखंड के उत्पादकों से बने वस्त्रों को पहनकर युवाओं और महिलाओं ने रैंप वॉक किया। रंगारंग कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि अल्मोड़ा की संस्कृति का अपना एक अलग इतिहास यहां से संपूर्ण विश्व के अंदर गई है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा सदैव सांस्कृतिक चेतना का ध्वज वाहक रहा है। राज्य सरकार हमारी समृद्ध लोक संस्कृति को जीवंत रख लोक विधाओं को आगे बढ़ाने हेतु संकल्पबद्ध है। कैसे अल्मोड़ा हमारी सांस्कृतिक नगरी है और यहाँ से संस्कृति की जड़ें संपूर्ण भारत के अंदर विश्व के अंदर गई है। आज यहाँ पर जहाँ हमारे उद्यमिता महोत्सव के माध्यम से यहाँ पर शानदार हमारे स्थानीय कलाकारों ने, यहाँ के लोगों ने बहुत ही शानदार अपनी संस्कृति का यहाँ पर प्रदर्शन किया है, हम लोगों को एक मंच प्रदान किया है और इसके माध्यम से जहाँ हमारी संस्कृति बढ़ेगी और हमारी नई पीढ़ी को भी हमारी संस्कृति से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा, जो आगे संस्कृति के संवर्धन के लिए और विकास के लिए काम करेंगे। मैं सभी का यहाँ पर आज सभी कलाकार, सभी आए हुए स्थानीय आयोजक सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे हैं। रविवार को उन्होंने प्रातःकाल भ्रमण के दौरान स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ लगाई और बैडमिंटन खेला। इस दौरान युवा साथियों और स्थानीय लोगों से सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का फीडबैक भी लिया। पंजाब के सिटी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।